मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। बामौर में अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिन से कलमबंद हड़ताल पर चल रहे पटवारियों के कारण तहसील कार्यालय पर नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी जैसे काम कराने दूरदराज से आए किसान बहुत परेशान हैं। किसान रामेश्वर दयाल शर्मा, कालीचरण शर्मा, रमेश गुर्जर, मानसिंह ने बताया है कि पिछले कई दिनों से नामांतरण तथा जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए परेशान हैं, लेकिन पटवारियों की हड़ताल के कारण उनका काम नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? मानसिंह। मानसिंह किस गांव के हो? ग्राम नाका। मानसिंह, ये बताओ, पिछले 2-3 दिन से हड़ताल चल रही है, तीसरे दिन से, आज तीसरा दिन है पटवारियों हड़ताल को, तो आप यहाँ किस काम से आए हुए हैं? हम साहब वो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वगैरह पे इनके साइन कराने आए थे, तो कोई पटवारी मिल भी नहीं रहा है, चक्कर लगा रहे हैं 2-3 दिन से। और कहते हैं कि हमारी तो कलम बंद हड़ताल है, हमने सारे बस्ते अपने उसमें जमा कर दिए। पटवारी से बात करते हो तो कलम बंद हड़ताल है हमारी, हम काम नहीं करेंगे। तो इसमें आपको कब से परेशान हो रहे हो? 4-5 दिन से हो रहे हैं सर परेशान, बराबर आते हैं चले जाते हैं लौट के, कोई पटवारी मिलता भी नहीं है। और अब बोलते हैं साहब के सभी के वो बस्ते जमा हैं, तो भाई साहब हम कैसे काम करेंगे, हमारी कोई सुनी नहीं रहा है, परेशानी होती है। हम बहुत परेशान हैं साहब। आपका नाम? सुनील शर्मा। शर्मा जी, आप पटवारी संघ के अध्यक्ष भी हैं जी, और ये आपकी हड़ताल पिछले 2-3 दिन चल रही है, क्या मामला है? मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल जारी है। 10 तारीख को सारे पटवारियों ने अपने बस्ते तहसील में जमा कर दिए हैं और सारे कामों से अपने दूर हैं। लेकिन हमारा जिला जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो पटवारी हैं वो जनता की असुविधा को देखते हुए जनता के हित में वहाँ का सर्वे कार्य कर रहे हैं, 15 तारीख तक करेंगे, क्योंकि किसान भी हमारे भाई बंधु हैं, उनके दुख में हम लोग शामिल हैं। और वो काम पूरा करके 15 तारीख से संपूर्ण वो हल्के वाले भी पटवारी जो बाढ़ प्रभावित वाले हैं वो भी हड़ताल पर आ जाएंगे। और अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी, आपकी अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये? अनिश्चितकालीन। तो ये क्या मानना है, अगर शासन ने मांगे नहीं मानी तो आप नहीं मानी तो हमारी हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी और इसको जोर पकड़ेगी।